जयपुर में चल रहे साहित्य के महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। जी हां, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज खत्म हो जाएगा। आज आखिरी दिन इम्तियाज अली, जावेद अख्तर, सुधीर मिश्रा का सेशन हो रहा है, जिसका नाम इंडियन फिल्म ऑफ नेशनल नैरेटिव है, जिसमें मदर इंडिया फिल्म पर चर्चा की जाएगी। वहीं प्रसून जोशी, बरखा दत्त समेत कई लोगों के अहम सेशन होंगे, जिनमें डिबेट होगी और सभी जानकार अपनी राय रखेंगे। View of India is not in agreement which is the negative view of India as you know was at that time, and that's what is interesting, that you know it's trying but because of commercial pressure is not always succeeding to make a larger, more you know, the whole film doesn't have that point. But like a lyric win, yeah. So you will see in Indian cinema that you will see that you know there is a film, but there is a poet who was once a communist who's come to Bombay to find a living, who's given a particular situation, and the producer and the director know jack all about lyrics. So he gets away by writing. So the writing, so you know, a lot of literature is nurtured. Or literally, people are nurtured in the Indian cinema in its embrace. और करेंगे जयपुर का जी लिटरेचर फेस्टिवल में जी मीडिया संवाददाता वरुण भंसाली हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। वरुण, आज आखिरी दिन है जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, क्या खास देखने को मिलेगा आज? देखिए, अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले इम्तियाज अली का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन इंडियन सिनेमा पर बॉलीवुड पर खत्म हुआ है। उसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें की गई, उसमें बताया गया कि सिनेमा में किस तरह से स्टोरीज कही जा रही है और उसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कॉम्प्लेक्सिटीज जो स्टोरी में होती है उसे सिंपली अगर कहा जाए तो वो स्टोरी अपने आप में अच्छी हो जाती है, और इंडियन सिनेमा जो है वो एक स्टोरी को कहने का काफी एक्सपेंसिव तरीका है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। और इसके अलावा भी आज साहित्य के महाकुंभ में जो ये आखिरी दिन है, कई सारे इम्पोर्टेंट सेशन होने हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है, जो आखिरी सेशन है डिबेट का वो बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक तरफ कपिल सिब्बल, शशि थरूर बैठेंगे, दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा वाले सुहेल सेठ बैठेंगे, उसको मॉडरेट पत्रकार करेंगे, काफी अहम सेशन वो भी रहने वाला है। और इसके अलावा प्रसून जोशी का आज एक सेशन और है, जिसमें वो पोइट्री के बारे में बात करेंगे, पोइट्री में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके बारे में बात करेंगे। और इस तरह से आखिरी दिन काफी कुछ इम्पोर्टेंट सेशन होने वाले हैं, और साहित्य के जो प्रेमी हैं उनका जमावड़ा भी पूरी तरह से बना हुआ है। फ्रंट लॉन में भी काफी इम्पोर्टेंट सेशन हो रहे हैं, अभी मैं फ्रंट लॉन में मौजूद हूँ, और अभी जो सेशन चल रहा है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। उसमें सलील जो लेखक है वो बैठे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि अगर महात्मा गांधी बहुत जरूरी है तो जरूरी थी कस्तूरबा भी, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, जो उनकी वाइफ थी, और उन्होंने कस्तूरबा पर किताब लिखी है, वो भी उसका उसके बारे में बता रहे हैं। लगातार सेशंस पर सेशंस चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की ये है कि जिन लेखकों को आज तक पाठक सिर्फ पढ़ पाते थे, अब उनसे मिल पाते हैं, उन्हें जान पाते हैं, उन तमाम पाठकों के चेहरे पर देखने को भी मिलता है जो जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचते हैं। भले ही आज आखिरी दिन है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। तमाम सेलिब्रिटीज तो यहां पहुंच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद वरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरें।